सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आप सब लोग ये तो जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और शायद आप में से काफी लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया हो। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो काफी लोग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ऐसा हुआ भी है, पिछली बार काफी लोगों का फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है। तो मैं जिस गलती की बात कर रहा था वह है फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड, जिसमें काफी ज्यादा लोग गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखने होंगे। तो फर्स्ट है फोटो बैकग्राउंड। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में फोटो मांगा गया है वो व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं कि फोटो ब्लू, रेड या फिर ब्लैक बैकग्राउंड वाला अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के काफी ज्यादा चांस बनते हैं। तो जब आप इसका फॉर्म भरो तो आप व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही फोटो अपलोड करो, ये इसके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है इसका सिग्नेचर से रिलेटेड। तो इसमें सिग्नेचर ब्लैक पेन से होने जरूरी है। वैसे ब्लू पेन से भी चल जाएंगे, लेकिन आप रिस्क क्यों ले, आप ब्लैक पेन से इसके सिग्नेचर करें और तब आप अपलोड करें, तो आपका रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से फॉर्म आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा, पिछली बार भी हुए थे, फोटो ब्लर। तो जब आप इसका फोटो अपलोड करते हो तो आप ध्यान नहीं देते, उसके साइज पर ध्यान नहीं देते, आपका फोटो ब्लर हो जाता है और आप उसे ही अपलोड कर देते हो, और जिसके वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपको इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा अपने फोटो का, फोटो ब्लर ना हो। आप क्या करते हैं, जब आप फोटो अपलोड करने से पहले देखते हैं तो वो आपका क्लियर देखते हैं, लेकिन जब आप अपलोड कर देते हो तो वो ब्लर हो जाता है और उस टाइम पर आप ध्यान नहीं देते। तो जब आप इसका फोटो प्रॉपर तरीके से रिसाइज करें, अपलोड करने के बाद फॉर्म का रिव्यू देखें कि वो फॉर्म में कैसा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। जब ये क्लियर हो जाए कि आपका फोटो बिल्कुल सही है, तभी आप उसे फाइनल सबमिट करें, वरना उसे फाइनल सबमिट ना करें, उसे रीअपलोड करें। तो आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हो, आप ये गलतियां क्यों करते हो? तो सबसे बड़ी जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, फोर्थ पॉइंट, जब काफी लोग इसका, कुछ लोग इसका फॉर्म खुद भर लेते हैं अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर, वो तो ठीक है, जो काफी लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है या फिर मोबाइल पर वो नहीं भरते, वो साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं और वहां पर अपने आप डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, फोटो सिग्नेचर छोड़ देते हैं कि आप कल तक फॉर्म भर देना, या फिर साइबर कैफे वाला आपको बोलता है कि आपका फॉर्म कल तक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको इसका प्रिंट दे दूंगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप उसके पास अपना डॉक्यूमेंट या फोटो या फिर सिग्नेचर छोड़ देते हैं तो वो आपका इतना ध्यान नहीं रखता, वो आपका फोटो अच्छे से रिसाइज नहीं करता, आपके सिग्नेचर पर भी कोई ध्यान नहीं देता, जो आपकी वहां पर इंफॉर्मेशन, नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता, वो ऐसे ही अपलोड कर देता है, आपका फोटो का प्रॉपर साइज नहीं होता, आपका फोटो ब्लर अपलोड कर देता है या फिर सिग्नेचर आपके ब्लर कर देता है, और जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती उसकी साइबर कैफे वाले की होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर आप साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, उसके पास बैठे, वहीं पर बैठे रहें, आपके अपने सामने आप अपना फॉर्म फिल कराएं और जब आप उसका फाइनल प्रिंट लेकर आए तो ये सबसे अच्छा है। आप साइबर कैफे वाले के पास अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना छोड़े, फॉर्म भरने के लिए उसे मत बोले। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको चार पांच पॉइंट बताए, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं फॉर्म भरते समय तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल 100% आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आगे जो वीडियो में बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि आप अपना फॉर्म दोबारा रिकरेक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दिया, आपने भर दिया है फॉर्म, तो आप उसे करेक्शन कैसे कर सकते हैं, अगली वीडियो में इसीलिए बनाऊंगा। और उससे अगली वीडियो, काफी लोग की डिमांड आ रही है कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए कि यूपी पुलिस के रिटन एग्जाम के लिए, तो एक वीडियो में उसके लिए भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका अब भी कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और फुल डिटेल वीडियो लेकर आता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।